अकीदा सवर जाएगा सहाबा दे बारे दे अंदर। इस्लाम एक मुकदमा है, इस्लाम एक मुकदमा है जड़ा अल्लाह ताला ने अपने बंदियां वास्ते पेश किया। मौजूदा दौर दे अंदर इस मुकदमे दे गवाह सहाबा के राम, इस मुकदमे दे गवाह विटनेस सहाबा। ते अगर गवाह या विटनेस किसी मुकदमे दे अंदर फिसल जाए, रेमंड डायवस छुट गया सी ना, फिसल गए सन साहिवाल वाले वाक़े दे अंदर। ओ मैं तो उन्होंने रियासती दहशतगर्दी कहांगा ना, अगर वो चले गए दिन दिहाड़े निहत्ते लोगों का कतल करके तो गवाहां दी बिना ते। हाँ जी, किसी भी मुकदमे दे अंदर तुसी गवाहां नूं ही कमज़ोर कर दोगे, मुकदमे दे पल्ले की रहेगा। ये दीन दे दुश्मन ने जड़े सहाबा दे बारे दे अंदर अपना जहर उगल देने। दीन दे बारे उन्होंने वास्ते उन्होंने बस दे अंदर सोसाइटी दे विच दीन दे खिलाफ बोलने वास्ते डर लगता है। लोग कतल कर देंगे, लोग फिर ये लोग पहले बकवास करते हैं, फिर बाहर दे मुल्कां दे अंदर जा करके रोंदे ने सानू मौलवियां दे हत्थों जान गवा देने का खतरा है। पहले बकवास करते हैं सहाबा दे बारे, मुकद्दस हस्तियां दे बारे पहले हर्जा सराई कर दें, फिर जा करके मगर मच दे आंसू बहा करके फिर उत्थे नैशनलिटियां लेंदे ने ये लोग। सिर्फ इन्हां दा मकसद ना तो सहाबा दी इज्जत ना सहाबा दी गुस्ताखी, मकसद सिर्फ बाहर दी नैशनलिटी, मकसद सिर्फ दुनिया दा माल, ताकि इस्लाम मुखालफ लोग इन्हां नूं नवाज देन। अल्लाह मुआफ फरमाए। दुनिया दे चंद टकियां वास्ते, छोटी मोटी एक आम नैशनलिटी वास्ते, कौमीयत वास्ते ये लोग दीन ते सौदा कर जाते हैं, मुकद्दस हस्तियां ते सौदा कर जाते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अगली बात, बातें आज इस्तलाह नहीं हो जाते, अच्छी बात है कोई बात किसी पासे लग जाए। सहाबा किराम दे बारे दे अंदर मैं एक इस्तलाह समझा दें। एक इस्तलाह मासूम, बात समझो मियाँ साहब, एक इस्तलाह मासूम वो अंबिया दी जमात जिदे बारे दे अंदर अल्लाह ताला फरमाने ने कद गफर अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका व मा तअख़रा। असी तुहाडे हर तरह दे भुल्लां चुकां कमज़ोरियां ए अंबिया दी जमात तुहाडी दरगुजर कर दित्ती है। असी तुसी गुनाह करदे ही कोई नहीं, मासूम अनिल खता जे। नबियां दी जमात मासूम। फिर दूसरी इस्तलाह महफूज, कबीरा गुनाह भी कर लें अल्लाह ताला फरमांदे ने वस्साबिकूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीन तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम। अल्लाह इन्हां नाल राज़ी हो गया। रज़ियल्लाहु अन्हुम, अल्लाह इन्हां नाल राज़ी हो गया। ये कबीरा गुनाह भी कर लें अल्लाह इन्हां नाल फिर भी राज़ी हो गया। ये महफूज सहाबा दी जमात। तीसरी इस्तलाह माजूर, जेड़े मेहनत करते ने इलम दे अंदर, दीन दे इलम दे अंदर, मुहद्दिसीन मुफस्सरीन आइमाए दीन उलमाए किराम, ये माजूर। इन्हां दा की मुकाम है? मेहनत करते ने, एक मसला नहीं मिलता पिया, अपने जहन दे नाल कह देंगे ने कि जी इस तरह कर लो, मसला मैनू नहीं मिलता पिया। अगर दीन दे मुताबिक मसला 10 दिन तो 2 अजर। मसला नहीं मिलया, अपने अल्लाह दे नाल माफ़ी मंग करके कहता कि अल्लाह मैनू माफ़ कर दी, मैं दसदा पिया मैनू मसला नहीं मिलया, तो फिर 1 अजर, फिर 1 अजर मिलता। इन्होंने मेहनत की मसले वास्ते, ये माजूर। ना असी मासूम लोगों के अंदरों, नबियां दे विच्चों नहीं, ना असी महफूज लोगों के अंदरों, सहाबा दे विचों नहीं, ना असी माजूर लोगों के अंदरों, ना मुहद्दिसीन विचों, ना इमाए दीन विचों, ना उलमाए कराम दे विचों, नेक लोगों के विचों नहीं। असी तो ना इन्हां चों ते ना उन्हां चों, ते गुस्ताखियां करके गुस्ताखे सहाबा दी फेवर करके असी केड़ा तीर मार लवांगे, पल्ले तो साडे पहले कुछ नहीं। अल्लाह ताला सानू हदायत नसीब फरमाए, चंगे लोगों के नक्शे कदम ते चलने की तौफीक अता फरमाए। बात समझो, मैं आज बातें समझा रहा, बड़ियाँ ज़रूरी बातें क्यों जी बात दी समझ आ रही है ना, मज़ा आ रहा बात दा। अगली बात, कुछ चीज़ां काबले तनकीद होंदियां ने ते कुछ चीज़ां काबले तकलीद होया करदियां ने। सहाबा काबले तनकीद नहीं बल्कि काबले तकलीद ने। हुन पूछोगे ये किस तरह? ये इस तरह, तनकीद दो चीज़ां ते कीती जांदी है। कितनियां चीज़ां ते? दो चीज़ां ते। कि तनकीद कितनियां चीज़ां ते कीती जांदी है? दो चीज़ां ते। या किसी दे अकीदे ते कीती जांदी है, दसो किसी अहल तशीह होनी या अहल सुन्नत होन, किसी ने क्या साहबा दरबार ते गए, किसी ने क्या साहबा ने बुत पूजे, किसी ने क्या साहबा ने गैरुल्लाह दे नाम दी मदद मंगी, किसी आख्या, किसी ने दसिया, किसी किताब च लिखिया, किसी भी किताब च। इहदा मतलब अकीदा साफ, अकीदा सुच्चा सहाबा दा, ते तनकीद नहीं हो सकती उन्हां ते। दूसरी बात, तनकीद होंदी किसी दे अमल ते, ते सहाबा दे अमल दे बारे दे अंदर है किसी दी कोई बात? सिका रिवायत, गलत रिवायतां, जिन्ना और रिवायतां गलत सहाबा दे अमल दे बारे अंदर लिखियां, उन्हां दे ही मकतबा फिक्र दे लोगों ने कहा रावी झूठे, ये रावी कज़ाब। जिन्ना आख्या हज़रत उमर फारूक ने सैयदा फातिमत ज़हरा दे उपर जलदा होया दरवाज़ा सुटिया, उस ही मकतबा फिक्र ने कहा रावी झूठा, ये रावी झूठा। इहदा मतलब उन्हां दा अकीदा भी बेहतरीन ते उन्हां दा अमल भी बेहतरीन, ते उन्हां ते तनकीद हो सकदी नहीं बल्कि उन्हां दी ते तकलीद की जाएगी। अल्लाहु अल्लाह अल्लाह।